हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि हम लोगों मीन्स हम लोगों ने बता दिया पहले कि ये बिल्डर की जगह पे है, अब विजार्ड आएगा, विच के बाद विजार्ड आएगा। तो अब विजार्ड आ गया है और उसने अपने साथ एक स्पेल भी लाया और चैलेंज भी। हमें एक ये बर्थडे बॉम्ब स्पेल यूज़ करना है और 10 अटैक विन करना है मल्टीपल बैटल वाले, तो हमें ये रिवॉर्ड मिलेगा 500 एक्सपीरियंस और 250 जेम्स। तो इसलिए बहुत लोग ये यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये स्पेल उतना हाई लेवल नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा हमारा बर्थडे बॉम्ब स्पेल। इसका डैमेज है बस 334, ये देखिए 334 इसका डैमेज है। और इसके जगह पे अगर हम देखें, ये हमारा लाइटनिंग स्पेल जो कि लेवल 5 का मेरा, तो इसका डैमेज 450 है, 450 इसका डैमेज है और इसका है 344, मतलब 100 डैमेज से भी ज़्यादा कम है। और मेरा अभी लेबोरेटरी अपग्रेड हो रहा है, तो इसलिए मैं लाइटनिंग स्पेल को अपग्रेड भी नहीं किया हूँ, तो इसीलिए है ये बहुत मीन्स लो लेवल स्पेल की तरह है हमारा बर्थडे बॉम्ब स्पेल। लेकिन इसका ये चीज़ है, ये दो सेकेंड के लिए आपके सब चीज़ों को फ्रीज कर देता है, 2 सेकंड के लिए फ्रीज कर देता है। आइए मैं आपको अपने एक डिफेंस के रिप्ले में दिखाता हूँ। ये रहा मेरा डिफेंस लॉग, यहाँ पे 2 अटैक हुए मेरे है इस बड़े बॉम्ब स्पेल से और दोनों हार गए। ये इसीलिए इतना बेकार है, सॉरी गाइस। ये देखिए गाइस, ये एक बड़े बॉम्ब स्पेल रखा है और वो यूज़ करेगा इधर। आइए मैं दिखाता हूँ क्या होता है जब वो यूज़ करता है। जैसे कि मैंने कहा, ये 2 सेकंड फ्रीज करता है और डैमेज करता है। ये देखिए, इसने यहाँ पे यूज़ किया, आप देखे होंगे इतना बड़ा सा एक बर्थडे गिफ्ट गिरा जिसमें बॉम्ब था। अब ये देखिए, मैं प्ले करता हूँ, ये देखिए मेरा सारे डिफेंस, मेरे ये 3 डिफेंस फ्रीज हो गए, ये 4 डिफेंस, ये भी फ्रीज हो गया था। तो आगे देखते हैं, ये एक बर्थडे बॉम्ब स्पेल यूज़ किया और कितना डैमेज किया एक्सपो पे इसने यूज़ किया था, और इतना डैमेज। विजार्ड टावर की हिट पॉइंट्स कम रहते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा हुआ। आर्चर टावर और एट लास्ट ये हमारा एयर डिफेंस, इन सब को इसने ये तो करेगा नहीं, ये भी नहीं करेगा, तो इन सब को ज़्यादा डैमेज नहीं किया। इतने एरिया में उसने डैमेज किया और थोड़ा ही डैमेज किया। तो आइए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मेरे पे एक ड्रैगन अटैक हुआ था, ड्रैग अटैक, और उसमें एक बंदे ने लाइटनिंग स्पेल की जगह यूज़ किया बर्थडे बॉम्ब स्पेल, उसने मेरे एयर डिफेंस को तोड़ने के लिए उस पर डाला 3-3 उसने यूज़ किया, पर तब भी मेरा ये एयर डिफेंस नहीं टूटा और वो अटैक किया अपने ड्रैगन से इधर, क्योंकि वो पहले सोचा था यहाँ अटैक करने का, क्योंकि ये नहीं टूटा है तो उसने फिर यहाँ किया और हार गया। तो इसीलिए ये बड़े बॉम्ब स्पेल उतना अच्छा नहीं है, लेकिन चैलेंज की वजह से लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये 2 सेकंड तक फ्रीज कर देता है, तो इसलिए आप इसे एक हल्का सा फ्रीज स्पेल की तरह यूज़ कर सकते हैं। पर फ्रीज स्पेल आपका करता है, आपका फ्रीज स्पेल 5 सेकंड फ्रीज करता है, और ये बड़े बॉम्ब स्पेल आपका 2 सेकंड करता है फ्रीज और डैमेज भी करता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में आपका ये चैलेंज भी है जिसे कंप्लीट करने के लिए ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू एज फॉर वॉचिंग योर वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू एज़।